जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को लगाए जाने वाले थाना संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर एडीजी अखिल कुमार ने शनिवार को चिलुआताल एवं पीपीगंज थाने पर पहुंचकर फरियादियों की फरियाद को सुनते हुए उसके निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान एडीजी अखिल कुमार ने थाना दिवस पर शिरकत करने पहुंचे लेखपालों और राजस्व कर्मियों से भी वार्ता की तथा कहा कि जमीनी विवाद सुलझाने में लेखपालों की अहम भूमिका होती है। लेखपाल ही जमीन के असली मालिक को बता सकते हैं। एडीजी ने कहा कि अब पुलिस जमीन विवाद में सीधे कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन यथास्थिति बनाए रखने के लिए मौके पर पहुंचकर व्यवस्था को संभालेगी। उसके बाद लेखपाल द्वारा दिए गए रिपोर्ट पर ही कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान थाना प्रभारी सहित संबंधित विभागों के कर्मचारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, आकलन कर लीजिए, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जमीनी विवाद जो है, आपको एक एक जमीनी विवाद जानकारी रहती है। मैंने वैसे थाना में कहा है और थाना आज भी वही चेक करने में निकला हूँ कि जितने भी भूमि संबंधित विवाद होंगे पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी। पुलिस अगर मान लीजिए कोई आता है तो वहाँ यथास्थिति बना देंगे और फिर आपसे सहयोग लेके आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके माध्यम से पुलिसकर्मी आपके साथ जाएंगे। आपका जो आपका क्षेत्र बटा होगा सभी लोगों का, और उसमें जो भी हमारे पार्ट के बीच कांस्टेबल हो और हेड कांस्टेबल है वो साथ में जाएंगे। वो जरूरी नहीं है दरोगा जी अपना बाकी काम करें, उसके कोई काम नहीं करा रहे आप। और वो सारा काम सब इंस्पेक्टर से शुरू हो, सिपाही वही पुराने ढर्रे से अपना राइफल लेके ड्यूटी स्पिकेट कर रहा है, उसको इन्वॉल्व करिए प्रोसेस। वो आपके साथ मिलकर हर जमीनी विवाद को जाएगा, देखेगा, जानेगा, उसको पता चलेगा कहाँ क्या तनाव है। वो प्रिवेंटिव एक्शन 107 ले। इन लोगों ने जो तय कर दिया, इन्होंने मान लीजिए पैमाइश की, चकबंदी की, तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई उसको काट दे। अगर वो उसको अगले दिन कोई कब्जा करता है तो फिर पुलिस कहर बन के टूट पड़ती। लेखपाल ने कर दिया तुमको शुरू से गलती होगी, लेकिन वो स्वयं नहीं करेगा। ये गर्व है आपको होना चाहिए जब दो चार जगह आप प्रभावी कार्रवाई करेंगे। पकड़ के पैदल चलाते हुए लाओ, पूरे बाजार में उसकी बारात निकालते हुए समझ आएंगे क्या। दो सिपाही पकड़ के रस्ता भर लाते रहे बाजार में घुमाते हुए और फिर लाए थाने में, तो उसकी जितनी हेगड़ी है ना बंद हो जाएगी। पहले तो गाँव में घुमाते क्षेत्र का आदमी उनको इनके साथ दबंगा ही कर सके कि अरे महिला इसको तो दाब लेंगे हम, ये क्या करेंगे। तो ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप तो जो भी ये काम करे कोई हमारे साथ गुंडागर्दी, आपको आप ये पूरे निर्भीक होकर करिए। कोई किसी प्रकार की परेशानी हो तो आपके यहाँ भी व्यवस्था है, हम लोग का COG हो, SSP का COG हो, निर्भीक होकर कॉल करिए। आप हमारे सब अंग हैं, एक ही अंग में हम लोग को काम करना है और ये भय व्यवस्था के अंदर में होनी चाहिए कि हम किसी से ना दबे और निर्भीक और सही काम। ये क्षेत्र मुख्यमंत्री सर, आज जब थाना दिवस पे गए थे पीपीगंज और जगह पे चिलुआताल, सर क्या कुछ समस्याएं रही वहाँ पे? देखो, समस्या थाना दिवस में ही नहीं, प्रतिदिन आती है भूमि विवाद की। प्रश्न जो है कि क्या हम थाना दिवस का समुचित प्रयोग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी कमी है, हमें यहाँ सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण स्वरूप हमने लेखपालों से सिपाहियों के नाम पूछे, उनके बीटा रक्षी, तो वो नहीं बता पाए, और उल्टा जब पूछा बीटा रक्षियों से लेखपाल के नाम तो नहीं बता पाए। तो ये तालमेल की कमी है, बीट सिस्टम हमारा थोड़ा इनएक्टिव है। मेरा प्रयास है कि इसको एक्टिव करें और सारे भूमि विवाद हमारे बीट आरक्षी लेवल पे निस्तारण होने लगे तो इसमें काफ़ी तेज़ी आ जाएगी। इस प्रकार तो आगे और कारगर हो हमारा थाना दिवस, इसके प्रयास किए जाएंगे।